हाय, तो आप लोग जो किटकैट खाते हो वो चॉकलेट है कि वेफर है? देखो यार, पहली बात तो ना वो ऑब्वियसली चॉकलेट है, ठीक है? और दूसरी बात तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि हमको बस खानी है। हाउ डज इट मैटर? वेल, इट डज मैटर। 10% टैक्स डिफरेंस होता है। तो बात 1999 की है, जब चॉकलेट्स पे टैक्स था 20% और वेफर्स या फिर बिस्किट्स पे टैक्स था 10%। तब टैक्स अथॉरिटीज को दिक्कत हुई कि किटकैट इज नॉट अ वेफर, इट इज अ चॉकलेट। इट्स जस्ट कि उसके चॉकलेट के अंदर वेफर होता है। बट नेस्ले क्लेम्ड कि हर कोकोआ का प्रोडक्ट चॉकलेट नहीं होता, बट हाँ, हर चॉकलेट में कोकोआ जरूर होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किटकैट चॉकलेट बन जाती है। ओके, मान लिया कि हर कोकोआ प्रोडक्ट चॉकलेट नहीं होता, बट कौन ही रियल लाइफ में किटकैट को एक वेफर बोलता है? टैक्स अथॉरिटीज को बुरा लगा यार, बट नेस्ले प्रूव्ड इट्स पॉइंट एंड दैट्स हाउ नेस्ले सेव्ड 10% ऑफ इट्स टैक्स लायबिलिटी। बाय द वे, आई जस्ट रियलाइज्ड कि आई एम मैचिंग विद किटकैट। ओके, बाय।